Y ahora hay que descargarte a... ¿Qué es lo que es? 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 एक्साइटेड हूँ. ये जो स्पेशली जो शॉर्ट फिल्म्स होते हैं ना, ये आई थिंक किसी भी एक्टर और आर्टिस्ट के लिए बड़े स्पेशल होते हैं. तो इसमें क्योंकि आप किसी प्रेशर में नहीं जाके, यू जस्ट गो आउट देयर, एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू नो, प्ले अ न्यू कैरेक्टर, बी इन अ न्यू सिचुएशन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. देखिए, कहानी में अभी सबको पूरी नहीं बताऊँगा, बट इट्स अबाउट अ गाय. ये कॉल सेंटर में काम करता है. जैसे हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी एंशियस रहते हैं, सॉरी माय थ्रोट, जैसे हम अपनी लाइफ में काफ़ी एंशियस रहते हैं, किसी बात को लेके टेंस्ड हो जाते हैं, तो दिस गाय इज ऑल्सो वेरी, यू नो, फिजिटी, और ये सोच रहा है लाइफ में क्या करना है, कुछ ठीक नहीं जा रहा ऑफिस में. एंड हाउ ही मीट्स अ स्ट्रेंजर इन अ बस, और वहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ होता है और उसकी लाइफ बदलती है. सो हुक वो है. यार शूट, एक तो फिल्म का नाम फटाफट है, शूट 2 दिन में हुई थी फटाफट, सिर्फ 2 दिन में हमने शूट करी, तो सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ और काफ़ी मज़ा आया था शूट करते. मुझे याद है एक ढाबे का सीक्वेंस है, जब आप देखोगे वहाँ पे शॉट देते देखते मुझे भूख ही लग गई थी, तो मैंने असली में ही खाना खा लिया था, जबकि मुझे खाना नहीं था, इश्तियाक को खाना था, उसका खाना मैं खा गया. बट गुड फन यार, बहुत मज़ा आया था शूट करते हुए. हाँ, एक बार याद है बहुत सारे, हम कुछ हाईवे वाईवे पे थे, वहाँ से कुछ एक 30-35-40 गाय का एक बड़ा कैरवान आ गया, काउज एंड काउज एंड काउज, काफ़ी सरियल थी वो चीज़, बड़ा बट गुड फन. जी हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक, देखिए, द बेस्ट थिंग अबाउट शॉर्ट फिल्म इज कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वो. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1.5-2 घंटा फिल्म के लिए या एक सीरीज़ के लिए 45-50 मिनट, देर यू कैन जस्ट 15-20 मिनट्स इन योर, यू नो, डन विद द होल थिंग. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म देयर टू. एंड मोर देन एनीथिंग, आई थिंक यार, इट्स द कॉन्टेंट विच मैटर्स. इफ योर कॉन्टेंट इज गुड, पीपल विल गोना वॉच इट. फिनीतो, थैंक यू. यस, शुरू. किसी भी कहानी की पहली ज़रूरत होती है कि दर्शक ये जानना चाहे कि आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बनी रहे. तो ये इसके अंदर पहले मोमेंट से लेकर आखिरी तक ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है, और बहुत ही मज़ेदार कहानी है. 15-16 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है, जिसमें दिव्येंदु जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्क्रिप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो जो चेंज ओवर होता है जब रियलाइज, मतलब मैं ये अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो प्लॉट चला जाएगा, लेकिन जब दिव्येंदु आखिर की तौर आखिरी मोमेंट्स में जब उनको रियलाइजेशन होता है स्टोरी का, जो उनके इश्यूज का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, और जिस तरह से वो इनैक्टमेंट हुआ है, और वंडरफुल. टॉस करो. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर कहानी 2 घंटे की हो ये लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. कुछ कहानियाँ 10 मिनट की होती हैं, कुछ आधा घंटे की होती हैं, कुछ 50 मिनट की हो सकती हैं. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म डायरेक्टर्स को मिल रहा है, मेकर्स को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है मुझे लगता है. और Z5 इसके अंदर बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं. सर, का काम इस 15-20 मिनट के शॉर्ट फिल्म में किस तरीके का रहा, और दूसरे शॉर्ट फिल्म से किस तरीके के अलग कुछ नया क्या है इसमें? दिव्येंदु का काम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं. इश्तियाक भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जो मैंने पहले कहा कि किसी भी स्टोरी की, किसी भी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कि आगे क्या होगा, वो बना रहना चाहिए. तो वो इस कहानी में, इस शॉर्ट फिल्म में है, और मुझे लगता है ऑडियंस को ये बहुत पसंद आएगी.
नहीं, आगे क्या होगा जब आप कहानी सुनते हैं, जब आप बात करते हैं, कोई आपको किस्सा बताता है, तो आपको अगर ये उसकी पहली दो लाइनों में अगर आपको बोरियत लगेगी तो आप वो किस्सा नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई किस्सा गो है, कोई कहानी सुना रहा है, और अगर उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट आएगा कि अब ये अगली बात क्या कहने वाला है, कि पता है क्या, वो मैं कानपुर से निकला, कानपुर स्टेशन पे था मैं, और वहाँ पे तीन बंदे मिल गए मुझे, और वो उनमें दो तीनों के ना एक एक हाथ नहीं था। तो अब ये क्यूरियोसिटी कि वो तीनों का एक एक हाथ क्यों नहीं था, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, ऐसे करके क्यों। तो ये मेरे कहने का मतलब ये था, ना कि सीक्वल से था मेरा। डन, थैंक यू, थैंक यू। We basically wanted to make a very sweet, simple film, and we wanted some subject जिसमें कुछ message भी हो. It had to be an entertaining film, but एक message के साथ, and I think that has come across. So the tricky part was we just had 2 days to shoot the film. इसीलिए फटाफट भी नाम दिया, और आप फिल्म देखोगे then you will know कि फटाफट नाम क्यों दिया है फिल्म को, because it's like you'll really know the कि असली reason क्या है फटाफट का. सो बस यही है, इट टॉक्स अबाउट अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो आजकल सब में है वो प्रॉब्लम, बट आई थिंक आई वुड वांट यू टू सी द फिल्म एंड देन गेट टू नो अबाउट इट एंड द सॉल्यूशन दैट वी हैव गिवन फॉर द प्रॉब्लम। सो ओके, वेरी जेन्युइनली टॉकिंग कि हम बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स क्या होती हैं कि जैसे अगर कोई आप थ्रिलर सब्जेक्ट लोगे, सो इट डजेंट टॉक अबाउट एनीथिंग व्हाइल यू आर वाचिंग द फिल्म, यू आर ग्रिप, बट एक लार्जर मैसेज कुछ नहीं होता। बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज दैट जब आप ये फिल्म देखोगे, यू विल बी इनटू द फिल्म, एंड वंस यू कम आउट, यू विल कम आउट विद अ थॉट, यू विल कम आउट विद व्हाट वी वांटेड टू टेल यू अ मैसेज, एंड यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट व्हाइल बीइंग एंटरटेन्ड। सो द की वाज दैट यू हैव टू बी एंटरटेन्ड व्हाइल वी आर ट्राइंग टू से समथिंग। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज यूनिक। Thank you.